हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राजीव, आईटी मैनेजर A2IT। दोस्तों, आज नेटवर्क के बारे में बात नहीं करेंगे। एक्चुअली एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि सर, आप काफी देर से एक ही कंपनी में काम कर रहे हो, ऑलमोस्ट आपको 8 से 9 साल हो गए एक कंपनी में काम करते हुए, मतलब ऐसी क्या चीज है कि आपको कंपनी ने इतनी देर तक रिटेन किया हुआ है, या आपको पैसा ज्यादा मिल रहा है, या आपको कंपनी बहुत अच्छी मिली हुई है, तो क्या चीज है ये? और एक चीज और बताना चाहता हूं मैं। मैंने आज सुबह लिंक्डइन पे एक वीडियो देखा था, हाउ टू रिटेन पीपल, पीपल को रिटेन कैसे रखा जाए, और वो बिल्कुल मेरे से मैच भी कर रहा था उस टाइम पे। तो मैं आज स्टूडेंट्स को वही आंसर देना चाहता हूँ इस क्लास में। अभी 10 स्टूडेंट्स हमारी क्लास में है। जब तक हमारा नेटवर्किंग का टॉपिक शुरू होगा, मतलब जो हमारी क्लास होगी, उससे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। देखो, एक एम्प्लॉय को कंपनी में रुकने के लिए क्या चीज चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करने से पहले 3 चीजों का डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे। क्योंकि जब भी हम अपने वर्कफोर्स को देखते हैं, अपनी कंपनी के अंदर अपने एम्प्लॉयज को देखते हैं, तो एक चीज हमें ये देखने को मिलती है कि सारे एम्प्लॉयज एक ही तरीके से काम नहीं करते। कुछ की नीड्स और होती हैं, कुछ अपने तरीके से काम करना चाहते हैं, कुछ अलग अलग तरीके से करते हैं काम। अब मैं रेवोल्यूशंस की बात कर रहा हूँ कि जो हमारे आईटी सेक्टर में या इसके अलावा हमारे वर्ल्ड में रेवोल्यूशन आए। जैसे सबसे पहले आया था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है, जब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स काम कर रहे थे, जब बहुत सारी इंडस्ट्रीज खुली यहाँ पे, तो लोगों ने इंडस्ट्रीज के अंदर काम करना शुरू कर दिया। लोगों ने काम किया इंडस्ट्रीज के अंदर सर्वाइवल के लिए, क्योंकि उस टाइम पे ज्यादा पैसे नहीं होते थे। तो उस टाइम पे हमें क्या करना होता था कि हमें अपने घर का खर्चा चलाने के लिए, रोटी कपड़ा मकान के लिए जॉब करनी जरूरी थी। चाहे हमारे जो मालिक होते थे, जॉब जो बॉस होते थे, चाहे हमें मार भी दें, पीट भी दें, ठीक है, गालियां भी निकाल दें, फिर भी हम जॉब नहीं छोड़ पाते थे, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं था। ठीक है, उस टाइम पे लॉयल्टी उस टाइम पे भी नहीं थी। अंदर तो सारे तंग हो रहे थे कि हाँ, मुझे इस जॉब में से अगर मैं निकल जाऊंगा तो दोबारा जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन ऑप्शन नहीं थे। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स टाइप थे, उन्हें करना पड़ता था काम। ठीक है, कुछ अब्रॉड चले गए हमारे इसको देश को छोड़ के, कि यहाँ पे काम नहीं मिल रहा है तो मैं अपने दूसरे देश में जाके काम करूंगा। ठीक है, मतलब बॉस इज ऑलवेज राइट वाली कंडीशन पैदा होती थी वहां। उसके बाद में आया इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन। इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन, जैसे हमारे पेरेंट्स ने काम किया, जब ये आईटी कंपनी स्टैंडर्ड्स हुई है, बड़े बड़े ब्रांड्स मार्केट में आना शुरू हो गया, तो लोगों ने क्या किया, सर्वाइवल के लिए काम करना शुरू नहीं किया, लोगों ने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए जीना शुरू किया। मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की मेरे पास एक अच्छी कार हो, एजुकेशन लोन लेके मैं बच्चों को भी अच्छा पढ़ा सकूं, उसके बाद EMI भरूं, मेरे पास आईफोन होना चाहिए, मेरे पास थोड़ा सा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अप करने के लिए जनरेशन ने काम किया। और उस जनरेशन ने काम किया, जैसे कि पेरेंट्स ने, आपने काफी बार सुना होगा कि जो इस टाइम पे अभी जॉब नहीं कर रहे हैं बच्चे, स्टूडेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स कहते हैं हमने आपको एक बहुत अच्छी लाइफ दी, आपको घर बना के दिया, आपको ये बना के दिया। मतलब उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा था, उनकी सैलरी अच्छी थी, और लोगों में लॉयल्टी जो पुराने टाइम पे भी नहीं थी, अब क्या हो रहा था इस टाइम पे, लॉयल्टी थोड़ी कम होगी। जहां से ज्यादा अच्छा ऑफर आता था, बढ़िया पैसे मिलते थे, तो वहां पे ज्वाइन करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो कंपनी कहने लगी, नहीं जी, अब एम्प्लॉयज लॉयल नहीं रहे, अब ऐसा हो गया। लॉयल्टी पहले भी नहीं थी, पहले ऑप्शन नहीं था। सो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए, पैसे बढ़ाने के लिए हर कोई अपनी जॉब चेंज करने लगा। ठीक है जी, तो ये वाला रेवोल्यूशन हो गया। अब 2008 के बाद, अभी 2021 चल रहा है, 22 आने वाला है, 2008 के बाद इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन डाउन हो गया। कैसे? क्योंकि रिसेशन आ गया था। मैं खुद की अपनी बात करूं, 2008 में मैंने बीटेक ज्वाइन किया था पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से, उसके बाद रिसेशन आया था। मैं भी उस टाइम पे सुनता था कि रिसेशन आ चुका है, जॉब्स नहीं मिल रही हैं। ठीक है, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ, जॉब्स नहीं आ रही हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, सोशल रेवोल्यूशन आना शुरू हो गया, कि जो बीटेक वाला स्टूडेंट, बीसीए वाला स्टूडेंट कोडिंग सीखना चाहता था, जैसे CCNA, CCNP, ये सारी चीजें सीखना चाहता था, ऑनलाइन हो गया सारा कुछ। अब आपको स्पेशल कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन सारी चीजें सीख सकते हो। ठीक है, आपने कोडिंग सीखनी है, आपने नेटवर्किंग सीखनी है, आपने क्लाउड की नॉलेज लेनी है, आप यूट्यूब पे जाओ, आप अपना सारा काम करो। तो जो हम जिस रेवोल्यूशन में जी रहे हैं, ये एक डिजिटल रेवोल्यूशन है और एक सोशल रेवोल्यूशन है। आज के टाइम पे जो एम्प्लॉयज हैं, वो ये नहीं चाहते कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा हो। ठीक है, उनको ये नहीं कि किसी से भी मतलब कि
मैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दिखाऊं, मेरे पास आईफोन है या ये है, दिखाते हैं कुछ लोग अभी भी, लेकिन जरूरत नहीं है। इवन जो लेबर होती है ना, लेबर लेबर भी कहती है कि मुझे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं दिखाना है, मेरे पास भी वैसे ही फोन है, मैं भी टच फोन यूज कर रहा हूँ, मैं भी 4G इंटरनेट यूज कर रहा हूँ, आगे चल के 5G डलवा लूंगा, मेरे घर पे भी डिश लगा हुआ है, मेरे घर पे भी D2H कनेक्शंस का केबल लगा हुआ है, मैं भी रात को स्टार प्लस देख रहा हूँ, ठीक है, मैं भी दूरदर्शन नहीं देख रहा हूँ यहाँ पे। तो ये जो वर्क फोर्स है इस टाइम पे, ये वर्क फोर्स सोशल सोशल वाली रेवोल्यूशन वाली है, ना कि ये इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन वाली है। अब सर्वाइवल के लिए कोई काम नहीं कर रहा। अगर आप चाहते हो, जो मेरा क्वेश्चन था कि एम्प्लॉयज को रिटेन रखना है, जैसे मैं मेरे से किसी ने पूछा था, ठीक है, तो आपको क्वालिटी ऑफ लिविंग ज्यादा मैटर करती है आजकल, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मैटर नहीं करता। क्वालिटी ऑफ लिविंग, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब आपका जॉब स्टेटस क्या है, आपका क्वालिटी ऑफ वर्कफोर्स क्या है, एनवायरमेंट क्या है आपका, क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या है, आपको लर्निंग के लिए क्या मिल रहा है, सारी चीजें मिल रही है। अगर आप किसी एम्प्लॉय को बांध के रखोगे, आप उसकी सैलरी में कट पे कट लगाते चलोगे, आप ये बोलोगे कि हम आपके साथ 4 साल का एक बॉन्ड कर लेंगे, ठीक है, तो वो एम्प्लॉयज क्या कहेगा आपको? वो कहेगा नहीं, मैं कोई और जॉब फाइंड कर लूंगा, मुझे कोई जरूरत नहीं है काम करने की। तो यही एक डिफरेंस है कि कंपनीज के अंदर जहां पे उसको क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलती है वो बंदा रिटेन रहता है, अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं मिलेगी तो वो बंदा रिटेन नहीं होगा, क्योंकि इस टाइम पे बंदों को क्वालिटी ऑफ लाइफ में ज्यादा एनर्जी मिल रही है, रिलैक्सेशन मिल रही है। तो यही मेरा आज का बताने का था। चलो अभी तो हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है, तो इस टॉपिक को मैं यहाँ पे बंद करता हूँ, हम बात करते रहेंगे इसके बारे में, ठीक है, अभी नेटवर्किंग की क्लास स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच।